हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने IQ Neo 7 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन के स्टोरेज को आप खाली कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले तो करना क्या है, आपके मोबाइल फ़ोन की जो गैलरी होती है ना, मोबाइल फ़ोन की गैलरी को आप ओपन कीजिए। तो इसके अंदर जो है ना, मोबाइल फ़ोन की गैलरी में से आप जितने भी फोटो वीडियो जो भी फालतू के हैं, फोटो वीडियो लॉन्ग वीडियोज़ जो है आपकी, वो आपको सभी डिलीट कर देनी है। फालतू का डेटा आपको बिल्कुल डिलीट कर देना, ठीक है ना, इससे आपके मोबाइल फोन का जो स्टोरेज है वो खाली हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको अगला प्रोसेस यहां पे करना क्या है कि आपको जो अपने मोबाइल फोन में जितने भी ये एप्स है ना, इन सभी ऐप का आपको डेटा क्लियर कर देना है। कैसे करेंगे, देखिए कोई भी ऐप जो है उंगली से दबा के रखेंगे तो एक छोटा सा पेज ओपन होगा, इस पेज में आपको ऐप इन्फो लिखा होगा या फिर सर्कल में आई बटन बना हुआ होगा, इसे टैप करना है। ठीक है, तो आपका इस तरीके का ये पेज ओपन होगा, इसमें आपको ये नीचे की साइड स्टोरेज एंड कैच का ऑप्शन मिलेगा, ये वाला, इसे सेलेक्ट करना है। इसके अंदर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो क्लियर स्टोरेज का, दूसरा क्लियर कैच का। तो पहले आपको इसे क्लियर कैच पे टैप करना है, तो आपका नीचे की साइड ये कैच के सामने वाला डेटा आपका जीरो हो जाएगा। इसी तरीके से आपको फिर इसे क्लियर स्टोरेज पे टैप करना है, तो आपका डिलीट ऐप डेटा का पेज आएगा, इसमें आपको डिलीट पे टैप कर देना है। इससे नीचे की साइड ये यूजर डेटा के सामने वाला डेटा भी आपका जीरो हो जाएगा। इसी तरीके से आप जो मोबाइल फोन के सारे ऐप्स के डेटा को आप डिलीट कर दीजिए। ठीक है ना, तो यहां पर दोस्तों इसके बाद आपको अगला प्रोसेस करना क्या है कि आपके मोबाइल फोन में जितने भी फालतू के ऐप्स है ना, जिन्हें आप बिल्कुल भी यूज नहीं करते, उन सभी ऐप्स को आपको अपने फोन से हटा देना है, यानी कि अनइंस्टॉल कर देना है। ठीक है ना, अब दोस्तों इसके बाद आपको अगला प्रोसेस यहां पे करना क्या है कि आपको जो है ना, अपने मोबाइल फोन में काफी सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जिनकी ऑटो डाउनलोड की सेटिंग चालू रहती है, उन्हें आपको बंद कर देना है। व्हाट्सएप में आपको देखने को मिलेगी वो ऑटो डाउनलोड की सेटिंग, ठीक है ना, तो जिस ऐप में ऑटो डाउनलोड की सेटिंग होती है उनमें आपको बंद कर देनी है वो। ठीक है, व्हाट्सएप में देखिए क्या होता है कि आपके मोबाइल फोन पे कभी भी कोई भी फोटो या वीडियो सेंड करता है आपके व्हाट्सएप पे, तो वो फोटो या वीडियो जो है आपके व्हाट्सएप पेज पे ऑटोमेटिक डाउनलोड होने लग जाती है, और वो डाउनलोड व्हाट्सएप पेज पे हो जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल फोन की गैलरी में चली जाती है फोटो या वीडियो, जिससे आपके मोबाइल फोन का स्टोरेज भरता रहता है। तो आपका जो है ना, वो ऑटो डाउनलोड की सेटिंग भी आपको बंद कर देनी है। ठीक है ना, अब दोस्तों इसके बाद जो है आपको अगला प्रोसेस यहाँ पे करना क्या है कि आपके मोबाइल फोन में काफी सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जो आपके मोबाइल फोन के बैकग्राउंड पेज पे ऑटोमेटिकली रन करते रहते हैं, यानी कि चलते रहते हैं, उन्हें आप यूज नहीं भी करेंगे तो भी आपके मोबाइल फोन के बैकग्राउंड पेज पे ऑटोमेटिक चलते रहते हैं, वो आपके मोबाइल फोन का डेटा, बैटरी और भी बहुत सी चीजें कंज्यूम करते रहते हैं, तो उन सभी ऐप्स को आपको स्टॉप करना है। कैसे करेंगे, देखिए आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है, इसके अंदर आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलता है ऐप्स का, इसे सेलेक्ट करना है। इसके अंदर आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलेगा स्पेशल ऐप एक्सेस का, इसे सेलेक्ट करना है। इसके अंदर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा बैकग्राउंड पावर कंजम्पशन मैनेजमेंट का, इसे सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों यहां पर आपके मोबाइल फोन के सारे ऐप्स यहां पे आपको दिखाई नहीं देंगे, यहां पे सिर्फ वही ऐप दिखाई देंगे जो आपके मोबाइल फोन के बैकग्राउंड पेज पे ऑटोमेटिक चलते रहते हैं। ठीक है ना, तो आपको इन सभी ऐप को एक एक करके स्टॉप करना है। कैसे, कोई भी ऐप आप सेलेक्ट कीजिए तो इसके अंदर आपको ये बैकग्राउंड रिस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड पावर यूजेस, ये जो ऑप्शन है ना रिस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड का, इसके सामने वाले सर्कल पे टिक मार्क लगाना है, तो ये ऐप जो स्टॉप हो जाएगा और आपके मोबाइल फोन के बैकग्राउंड पेज पे ऑटोमेटिक रन नहीं करेगा। इसी तरीके से आपको बाकी सभी ऐप को भी स्टॉप कर देना है। अब दोस्तों इसके बाद आपको अगला प्रोसेस यहां पे करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल फोन को एक बार रीसेट कर देना है। कैसे करेंगे, देखिए मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है, इसके अंदर आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलेगा सिस्टम का, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको ये ऑप्शन मिलेगा रीसेट ऑप्शन, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको ये ऑप्शन मिलेगा इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट का, इसे टैप करेंगे तो आपका मोबाइल फोन रीसेट हो जाएगा और आपके मोबाइल फोन का जो स्टोरेज है वो खाली हो जाएगा। ठीक है ना, तो दोस्तों यहां पर जो आपको रीसेट करने से पहले दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये कि आपके मोबाइल फोन में जितना भी डेटा है ना, जो काम का डेटा है, जैसे कि फोटो वीडियो ऑडियो डॉक्यूमेंट, जो भी काम का डेटा आपके फोन में है, वो काम का सिर्फ डेटा आपको दूसरे मोबाइल फोन में ट्रांसफर कर लेना है, फालतू का डेटा ऐसे छोड़ देना है, वो डिलीट हो जाएगा सारा का सारा। ठीक है ना, तो यहां पर दोस्तों दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि आपके मोबाइल फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड भी आपको पहले से लिख के रख लेना है, ताकि आप उस जीमेल आईडी को बाद में अपने फोन में दोबारा से लॉग इन कर सकेंगे। ठीक है ना, तो ये दो बातें रीसेट करने से पहले ध्यान रखनी है। तो ये सारे प्रोसेस आप फॉलो कीजिए तो आपके मोबाइल फोन का स्टोरेज जो है वो खाली हो जाएगा।